लाहार भिंड में आयोजित कथा के दौरान गुरुजी पंडोखर सरकार बाबा रामदेव की सहज मुलाकात हुई, जिसमें गुरुजी पंडोखर सरकार द्वारा अंग वस्त्र श्रीफल और पगड़ी पहनाकर बाबा रामदेव को सम्मानित किया गया। भिंड के लाहार में पंडोखर सरकार पीठाधीश्वर गुरु शरणजीत शर्मा और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच पंडोखर सरकार में आयोजित कथा के दौरान उनकी मुलाकात हुई। तिकालदर्शी होने पर बाबा रामदेव ने पंडोखर सरकार से पूछा कि ये शक्ति आपको कैसे प्राप्त हुई। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि जा सिद्ध है। सिद्धियों को लेकर के, शक्तियों को लेकर के, विभूतियों को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। और मैं पिछले 40-45 सालों से देख रहा हूं कि इसमें दैवी शक्तियों के नाम पर, अदृश्य शक्तियों के नाम पर काफ़ी लोग ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास करते हैं। और इसीलिए किसी के पास में, मैंने तो अभी तक जो 3 चीज़ें देखी हैं, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से सिद्धियां मिलती हैं, तो 3 तरह की चीज़ों का तो हमने प्रत्यक्ष किया है। मंत्र से, और मंत्र वो एक अलग तरह के मंत्र, माने जो गुरु कृपा से, दैवी कृपा से जो मंत्र प्राप्त होते हैं, और उन मंत्रों का भी जप का, विधि विधान का एक अलग प्रकार का तौर तरीका होता है। फिर गुरु कृपा से, और तीसरी जन्म से। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि आपको ये जो दैवी कृपा हुई है कि अज्ञात चीजों को या अदृश्य चीजों को जान लेना, उनके बारे में बता पाने का सामर्थ्य अर्जित कर लेना, वो कैसे हुआ? तो उसमें जो अभी भी, वैसे तो ये जो दैविक शक्तियां होती हैं, इनका कोई इदम इत्थम, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो इनको भी उसके बारे में बोध हुआ, तो एक तो गुरु महाराज थे, क्या नाम था महाराज जी? परम पुष्पा सदगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज। तो आतिवान जी महाराज जी, पूज्य महाराज श्री, उनका अनुग्रह कोई, और वो इनको जन्म से, मीन्स जब 7-8 साल की उम्र थी, तब से इनको उन शक्तियों का अनुभव होने लग गया कि किसी के बारे में कुछ बता देना। तो ये मैंने 5-7 महापुरुषों के साथ में जो अलग अलग तरह से देखा, तो उसमें किसी को जन्म से, किसी को गुरु कृपा से, अलग अलग प्रकार की ये प्रोसेस है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो भी अदृश्य शक्तियों के नाम पर कुछ भी बोलते हैं वो सारी बातें सत्य हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अदृश्य शक्तियां नहीं होती। तो महाराज जी ने को जो प्रकार आशीर्वाद प्राप्त है, और इसलिए महाराज जी भी कभी नहीं कहते कि मेरे पास ये शक्ति है। ये तो सारी शक्तियां तो भगवान की होती, गुरु कृपा से होती है। और उसमें यदि किसी व्यक्ति को सहायता हो जाए, किसी व्यक्ति को घर में, परिवार। वही कथा के दौरान बाबा रामदेव ने हास्य तरीके से लाहार वालों का मन जीता और पंडोखर सरकार से कहा कि हनुमान जी से अर्जी लगाइए। अपने पंडोखर सरकार जी महाराज से अपने लाहार वालों के लिए रोज प्रार्थना, देखो दुनिया भर की अर्जी लगाना महाराज, लेकिन सबसे पहले अर्जी अपने लाहार वालों के लगाना कि इनके जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य रहे। हाँ, अपने हनुमान जी के अर्जी लगाओ, अपनों के लिए अर्जी लगाओ, बाकी तो सब फर्जी है। तो हम थोड़ा हंसी मजाक का स्वभाव है हमारा, बाकी और कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर, सुरो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, गुरु की शरण में रहो। तो हनुमान जी की कृपा भी आपके पूरी रहेगी, हमने इधर अर्जी लगा दी है, और बाकी महाराज जी की कृपा तो है ही सो है। चिन्मानंद बापू जी को महाराज। सहज मुलाकात के दौरान गुरुजी पंडोखर सरकार ने भी बाबा रामदेव की जमकर तारीफ की। श्री पंडोखर सरकार की विशेष अनुकंपा से आज परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री आत्मा की प्रेरणा से प्राप्त स्मरणीय संत भगवान योगी महापुरुष पातंजलि से परम पूजपा श्री हमारे रामदेव महाराज जी के बड़े भाई के परम सानिध्य में आज मुझे साथ बैठने का और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, सौभाग्य है हमारा।
जब जब पूजनों का भाग उदय होता है तब संतों का, महापुरुषों का, योगियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हमारे बड़े भाई का बड़ा हाथ अपने छोटे भाई पर स्नेह और आशीर्वाद से भरा प्राप्त हुआ है। इससे आज हम अपने पंडोकर सरकार की कृपा से कृतार्थ हुए हैं। जब साधु संत महापुरुष योगी जनों का हस्त हाथ पर होता है तो भगवत कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर की साक्षात कृपा समझना चाहिए। और आज हमारे लाहर भिंड जिले में, हमारे गृह जिले में महाराज श्री का आगमन हुआ है। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कोटि कोटि वंदन, बधाई, शुभकामना के साथ साथ हमारे महाराज जी की बड़ी कृपा हमारे पर बनी रहे और सदैव परमात्मा की कृपा हमारे महाराज जी के ऊपर भी रहे और सनातन की जय जय होती रहे। जय जय श्री राम। EMT News भोपाल।